सब्सक्राइब करें टेक्निकल बीट्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो वेलकम गाइस, मेरा नाम अक्षय, आप देख रहे हैं हमारे टेक्निकल बीट्स यूट्यूब चैनल को। और गाइस आज हम बात करने वाले वीवो वाई 20G के साइड माउंट फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक के टेस्ट के बारे में। जी हां गाइस, वीवो के सारे वेरिएंट्स हमें अभी फिलहाल जो देखने को मिलते हैं सब में हमें साइड माउंट फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है। काफी अच्छा परफॉर्मेंस है वीवो के साइड माउंट फिंगरप्रिंट का, और आज हम बताएंगे आपको वीवो वाई 20G के साइड माउंट फिंगरप्रिंट के बारे में। तो प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, कहीं पर स्किप मत करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम ऐसे वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं आपका हमारा टाइम न गवाते हुए। ये हमारे पास Vivo का Y20 G और Vivo Y20 G में हमें सेम इट इज Vivo के सारे वेरिएंट्स की तरह साइड माउंट फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है। तो मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आप इसका सेटअप कर सकते हो और किस तरह से इसका टेस्ट, मैं आपको सारी चीज़ डिटेल में बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम इसका सेटअप देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको सेटिंग को ओपन कर लेना है, यहाँ पर आपको सेटिंग ओपन कर लेना है। जैसे ही आप सेटिंग ओपन करते हो तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सिक्योरिटी का ऑप्शन, को आपको सिक्योरिटी को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सिक्योरिटी को सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, स्क्रीन लॉक, फिंगरप्रिंट और फेस। तो आपको फिंगरप्रिंट को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे फिंगरप्रिंट सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन देखने को मिलता है, फिंगरप्रिंट पैटर्न, फिंगरप्रिंट पिन, फिंगरप्रिंट प्लस पासवर्ड। तो हम एग्जांपल के तौर पर पिन को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको फोर डिजिट का पिन लगाना है, तो हम एग्जांपल के तौर पर 000 का फोर डिजिट का पिन सेटअप कर लेते हैं और यहाँ से नेक्स्ट कर लेते हैं। फिर से अपने पिन को कंफर्म कर लेते हैं 000 और यहाँ से कंफर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा पिन सेट हो चुका है। ये आपको बता रहा है कि आप लॉक स्क्रीन के ऊपर कौन से नोटिफिकेशन को शो करवाना चाहते हो। तो हम यहाँ पर शो ऑल नोटिफिकेशन कंटेंट को सिलेक्ट रखते हैं और यहाँ से डन कर लेते हैं। जैसे आप इसे डन करते हो तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है कि आपको अपने फिंगर को किस तरह से सेटअप करना है, पूरा आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पर हमें स्टार्ट इनपुटिंग को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप स्टार्ट इनपुटिंग सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पर फिंगर रखना है। जैसे आप यहाँ पर अपना फिंगर रखते हो तो ये ब्लू लाइन प्लस होता जाएगा, यहाँ पर आपको फिंगर को रखना है, हटा लेना है। आप देख सकते हो किस तरह से मैं अपने फिंगर को सेटअप करता हूँ। सेम इट इज़ आप अगर वीवो का कोई भी फ़ोन खरीदते हो तो सेम इट इज़ आपको साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेटअप करना है। तो गाइज यहाँ पर हमने 100% अपने फिंगर को सेटअप कर लिया है। यहाँ से हम इसे बैक कर लेते हैं और देख लेते हैं किस तरह से वर्क करता है वीवो वाई 20G का साइड माउंट फिंगरप्रिंट। तो जैसे ही आप अपने फिंगर को टच करते हो, यानी कि अपने साइड माउंट फिंगर को टच करते हो, तो तुरंत एक्सेप्ट हो जाता है सेम इट इज़ बैक फिंगरप्रिंट की तरह, यानी कि बैक में जो हमें फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है सेम इट इज़ साइड माउंट फिंगरप्रिंट भी वर्क करता है। तो ये था वीवो वाई 20G का साइड माउंट फिंगरप्रिंट टेस्ट। काफ़ी कमाल का टेस्ट और रहा और ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की कंपैरिजन में। तो यहाँ पर हम इसका फेस अनलॉक भी देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर सेम इट इज़ सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर सिक्योरिटी को सिलेक्ट कर लेना है। सिक्योरिटी में जाने के बाद आपको यहाँ पर फेस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे फेस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पर फोर डिजिट का पिन फिर से डाल देना है। तो यहाँ पर हम अपना 000 वाला पासवर्ड कन्फर्म कर लेते हैं, यहाँ से नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको अपना फेस ऐड करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट टू ऐड को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर मैं अपना फेस सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मेरा फेस 100% रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हो चुका है। यहाँ से हम इसे ओके कर लेते हैं और यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन को कंप्लीट बंद कर देना है, स्टे ऑन लॉक स्क्रीन आफ्टर अनलॉकिंग, यानी कि स्क्रीन अनलॉक होने के बाद अपने स्क्रीन पर स्टे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इसे हम बंद कर लेते हैं। जैसे आप इसे बंद करते हो, तो गाइस यहाँ पर हमने फेस अनलॉक रजिस्टर किया हुआ है। तो जैसे मैं इसके सामने आता हूँ ये तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। आप देख पा रहे हो कि ये किस तरह कितना फास्ट ओपन हो जाता है। आप देख रहे हो मैं इसके सामने खड़ा हूँ तो ये तुरंत ओपन हो जाता है। तो गाइस यहाँ पर मैं एक और टेस्ट कर देता हूँ कि अपनी आँखें बंद करके आपको दिखाता हूँ कि ये वर्क करता है या नहीं। तो गाइस यहाँ पर मेरी आँखें बंद है, बिल्कुल ओपन नहीं हो रहा है, शायद मुझे लगता है ये ओपन नहीं हुआ है। जैसे फिर से ट्राई कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये ओपन नहीं है। जैसे मैं अपनी आंखें ओपन करता हूँ तुरंत ओपन हो जाएगा।
तो गाइस काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है वीवो वाई ट्वेंटी जी के साइड माउंट फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक का। अगर आपने अभी तक वीवो वाई ट्वेंटी जी नहीं खरीदा और अगर आप सोच रहे हो कि वीवो वाई ट्वेंटी जी खरीदे या नहीं, तो प्लीज़ कंफर्म, काफ़ी अच्छा फ़ोन है। आप इसे खरीदना चाहते हो तो आप इसे परचेस कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है इसके साइड माउंट फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक का। तो गाइज आपको वीवो वाई ट्वेंटी जी का साइड माउंट फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।